हेलो यस, आप डिक्चू से पंचायत है तो आप बताइए डिक्चू में किस तरीके का क्षति हुआ था? यहाँ पे अभी फिलहाल तो ये पूरा टोटली डैमेज हुआ है, दो घर और वो कच्चा हाउस भी डैमेज हुआ है जो मेरा ही है, और वो जो फ्रंट साइड का बिल्डिंग है उसके नीचे भी बहुत क्षति हुआ है। ये लोअर साइड जो भी है डिक्चू का वो पूरा डैमेज है। आप खुद भी मतलब एक विक्टिम बता रहे हैं, तो आप अभी कहाँ शिफ्ट हुए? अभी फिलहाल तो मेरा फैमिली वो दूसरा जगह पे शिफ्ट की है, अभी मैं यहाँ का कंसर्न वार्ड पंचायत हूँ, मुझे तो यहाँ पे रहना ही होगा, इसीलिए बगल का घर पे रह रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए ये कितने घर है जितने डैमेज हुए और कितने लोगों को रिलीफ मिल रहा है अभी? 16 हाउस पूरा तो वो पूरा डैमेज हुआ है। वो मतलब वॉशिंग किया मतलब लेके वॉश नहीं किया है पर वो पूरा डेंजर जोन पे है ना, ये वाला तो पूरा नीचे, ये घर का नीचे पूरा स्लाइड हुआ है। और रिलीफ के मामले में अभी क्या रिलीफ कैंप बनाया है डिक्चू में? रिलीफ बनाया है, जो हमारा ये बाजार का नियर बाई स्कूल है डिक्चू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे रह रहे हैं। कितने लोगों को रखा है वहाँ पे सर? अबव 16-17 फैमिली वहाँ पे, टिनेंट करके तो ज्यादा है। और जैसे खाद पान हो, जैसे राशन हो, ये सब आ रहे हैं यहाँ तक पहुँच रहे हैं? नहीं, डिजास्टर से बोले हैं, डीसी सर बोले हैं कि जो भी सामान है वो लेकर जाने के लिए हम यहाँ बगल का दुकान से लेके जा रहे हैं और वो बाद में वो लोग रिफंड कर देंगे। वो जो रात थी जब ये तबाही हुई थी, पानी कहाँ तक मतलब डिक्चू मतलब जो ये मार्केट है यहाँ तक आया था या नहीं? नहीं, ये सेकेंड फ्लोर तक आया था। ये एक्चुअल में क्या हुआ था ना, ये जब ये डैम रिलीज किया ना तब ये घर पूरा स्वाइप हो गया था, लगभग 3:30 बजे। हम ठीक है, हेलो यस, मंदिर जाने बात